Hello students, I'm Dr. Sandeep Gowte. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, आज के वीडियो लेसन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं और टाइटल है एक्रोनमी. स्पेलिंग देखिए acronymy, सो दैट इज एक्रोनमी. सो वॉट इज दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस वन एज वेल एज डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. नाउ व्हाट इज एक्रोनमी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉर्मेशन? इट इज नथिंग बट वर्ड कॉइनिंग न्यू वर्ड्स, कॉइनिंग न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट वेज, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन. नाउ What does it mean? What is the meaning of acronymy? क्या है? So acronyms are formed. Means acronyms means what? Words are formed from the first or you can say initial letter of each of the words. मतलब क्या होता है यहाँ पे? हर एक word का first क्या किया जाता है? Letter means alphabet लिया जाता है और उससे क्या तैयार होता है? नया वर्ड तैयार किया जाता है और यू कैन से न्यू वर्ड कैन बी कॉइन विद द हेल्प ऑफ दिस वन. एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा. एग्जैक्टली सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गिवन हियर. व्हाट इज दैट? एक्रोनिम्स आर प्रोनाउंसेबल वर्ड्स. उसको हम उनको क्या कर सकते हैं? हम प्रोनाउंस कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड एक्रोनिम्स. व्हाट इज दैट? दीज आर प्रोनाउंसेबल वर्ड्स. So what is the meaning of acronymy? That is nothing but what? Coining new words by using just the initial or the first letter of each of the words. Now some examples are given here. Example dekhiye, first example kya hai? AIDS. So what is this one? This is actually acquired immunodeficiency syndrome. Aur usse taiyar hota hai ye particular acronym. Yahan se A liya hai, I लिया है, D लिया है और S लिया है. सो दिस इज AIDS. सो दिस इज यू कैन सी इवन द लॉन्ग फॉर्म इफ यू वॉन्ट टू से. नाउ व्हाट इज सेकंड? VIP. वी यूज दिस वर्ड रेगुलरली, हमेशा यूज करते हैं. VIP मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? GIF. कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है. GIF मीन्स व्हाट? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, दैट इज अ GIF. देन स्कूबा डाइविंग, हमें पता है स्कूबा. स्कूबा मीन्स वॉट? ये देखिए SCUBA. स्कूबा मीन्स सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस. सो इस प्रकार से तैयार होता है वर्ड कौन सा? स्कूबा. एंड दिस इज एन एक्रोनिम. नेक्स्ट वन इज MP. हम हमेशा यूज करते हैं. MP स्टैंड्स फॉर वॉट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. And what is the last one there? NASA. NASA means what? National Aeronautics and Space Administration. ये जो है word जो है NASA, ये है acronym of all these words. So initially you can understand, initial words are used. So you need to understand how these words are used. और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? We can enrich our vocabulary also. There are many words you can write down. For example, there are ATM, RAM, then radar, DRDO. All these are the examples of what? Acronymy. And they are used frequently. Hamesha hum communication mein use karte, sometimes even in writing we are using. Now the most important thing I would like to tell over here, ek word hai yahan pe, abbreviation. Please keep in mind, abbreviations are different from acronyms. Acronyms क्या होता है? Initial letters हम connect करते हैं, उनका combination रहता है. जैसे कि A from acquired, यहाँ पर लिया है. I from immuno, D from deficiency and S from syndrome. Please try to understand, this is very important. And abbreviation means for what? This is abbreviation. डॉक्टर. सो यहाँ पे ये डॉक्टर होता है. सेकंड प्रोफेसर का ये होता है PROF, प्रोफेसर. सो ये हो गया एब्रीवेशन, प्रोफेसर. सो आपको ये ध्यान में रखना है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स.
तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेसन में हमने क्या डिस्कस किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज वर्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट इज द टर्म एक्रोनिमी, उसका मीनिंग हमने देखा है. आफ्टर दैट एक्रोनिम्स आर प्रोनाउंसेबल वर्ड्स एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट एग्जाम्पल्स. यू कैन मेक द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्रोनिम्स एंड यू कैन एनरीच योर वोकैबुलरी. इफ यू लाइक video, please share it and subscribe the channel. Also press a bell icon to get the notifications well in advance. Thank you so much.